है। यकीनन मैं कहना चाहता हूँ वो परतोषित कल्पना राय जी को मिल सकेगा और किसी को नहीं मिल सकेगा। मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी अब कोई कामना नहीं। मैंने तो गांधी को भी देखा है जब ये लाउड स्पीकर नहीं था, टीम का भोग को लेकर दूसरा आदमी बुलंद आवाज करता था, उस जमाने को भी देखा। मैंने 1938 में सुभाष चंद्र बोस को पंडित तलगुराय शास्त्री के नेतृत्व में एक वॉलंटियर के हैसियत से चाय का प्याला भी दिया हूँ। मैंने वो जमाना भी देखा है जब जमरी में कल्पना राय जी के घर के पूरब जंगल ही जंगल था, जब सावा और कोदो जौ और मटर की रोटी नमक और चटनी से खाते थे लोग, उस जमाने को भी मैंने देखा। कल्पना जी आपने नहर बनाया, नहर बनाकर सर से सरसब इलाका यहाँ बना दिया, आपने सड़क बना दी, ओवर ब्रिज बना दिया, क्या नहीं बना दिया। आपकी कामना मैं जानता हूँ, आप 5-स्टार होटल बनाने वाले हैं, आप यहाँ पर यह एयरपट्टी बनाने वाले हैं, हवाई जहाज उतर सके, और ये सब बनने के बाद बेकार नौजवान जो हमारे सामने हैं, आपके दिमाग में एक चीज है, मैं कोई मांग नहीं कर रहा हूँ, बड़ी फैक्ट्री आप लगाएंगे। जब विद्युत की एक मोटी धारा आपने बहा दी है, यकीनन यहाँ पर बड़े बड़े और व्यापारी आएंगे, औद्योगिक आएंगे, कारखाने लगेंगे, और 5-6-7 कारखाने अगर आपने लगा दिए तो मैं समझता हूँ हर घर के हर नौजवान को रोटी मिल जाएगी, वो दिन भी आने वाला है। मैं ज्यादा कुछ न कहकर गीता के उस उपदेश को लेते हुए आपको चलना, पिछले उस झंझावात में आधी और तूफान में जब बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, 85 में 5 में केवल आप भी लचक करके टूटे नहीं खड़े हो सके उस झंझावात में, तो कल्पना जी अब तो दिन बहुत अच्छे आपके आने वाले हैं। ये जनता आपको प्यार करती है, कटिया हो रही है, लोग खेतों में है, खलिहानों में है, बावजूद इसके भी यहाँ पर आपको सुनने और आशीर्वाद देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको किराए बनाए, आप ज्यादा दिन तक जिए, ताकि इस इलाके को ही नहीं सारे देश को मऊ जैसा देश बना सके। आज हिंदुस्तान के नक्शे में एक खूबसूरत जिला आप साबित करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ लगभग वो साबित हो चुका है। हम चाहते हैं शहीदों के आत्मा को शांति तब मिलेगी जब सारा हिंदुस्तान मऊ जैसा बन सकेगा, आप जैसे नेता का हिंदुस्तान में पैदा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आशीर्वाद देता हूँ। जय सदन के अध्यक्ष यहाँ के विकास के लिए दिन रात लगे हुए, गाँव से आए हुए ग्रामीण जनता मांग तक नहीं रख पाई सारे प्रदेशों की सरकारों ने। साथियों, नेता का काम बहुत जटिल हुआ करता है, नेता की श्रेणी में आना बहुत सरल हुआ करता है, और नेता का काम जो जटिल होता है वही नेता उसे पूरा कर सकता है जिसके मन में उस कार्य को पूरा करने का संकल्प होता है। माननीय कल्पनाथ राय जी भारत सरकार के खाद्य मंत्री हैं, इसके पहले भी ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए पूर्वांचल के लिए इसलिए नहीं कि वह नेता और मंत्री बन करके इन कामों को किए, इसलिए करने में समर्थ हुए कि उनके मन में प्रबल इच्छा शक्ति थी, संकल्प शक्ति थी, संघर्ष करने की उनमें प्रवृत्ति थी, इसलिए वह आम जनता के कल्याण के लिए इन योजनाओं को लाने में समर्थ हुए। यह आप स्मरण रखें, केवल नेता ही योजनाओं को ला सकता है। बड़े बड़े अधिकारी, आपने अभी बड़े अधिकारियों का भाषण आपने सुना, माननीय मंत्री जी के प्रति उन्होंने आभार प्रदर्शित किया, केवल इसलिए कि केवल मंत्री और नेता ही योजनाओं को ला सकता है। और ऐसे नेता और मंत्री आपके धरती पर कितने हुए, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, अंतर केवल इतना है कि अन्य दूसरे नेताओं ने जो काम किया है उनके कमरे में उसकी चर्चा होती है, कुछ लोग उसकी चर्चा भले कर लेते हैं उनके लोग, लेकिन आम जनता कल्पनाथ राय जी के सारे कार्यों की चर्चा सड़क पर करती है, दुकान पर करती है, मेले में करती है, बाजार में करती है,
ऐसा मैं समझ नहीं लगा कि इन कामों को करना कोई बात सरल काम है, यह केवल कल्पनाश्रय जैसा ही नेता कर सकता है जो धरती से कल्पनाश्रय जैसा ही नेता कर सकता है, और वो एक है, वो केवल एक है, दो नहीं ऐसे हैं। इसलिए सलाह में आए हुए आम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जनता की भी जिम्मेदारी होती है। अगर नेता अपने क्षेत्र और अपने पूर्वांचल के विकास के लिए संकल्प है तो जनता की भी जिम्मेदारी होती है उसके हाथों को मजबूत करे, उसके पीछे खड़ी हो, और जब वो आवे तो एहसास करे जनता की हम तुम्हारे साथ हैं। यह जरूर है कि कुछ लोगों को संधिपात का रोग लगा हुआ है, संधिपात का रोगी डॉक्टर को इलाज करने के लिए जब डॉक्टर जाता है तो उसके ऊपर टाटा उठा देता है, उसे अच्छा दिखा देता है, और लेकिन अच्छा होने पर वो नतमस्तक होता है, हाथ जोड़ लेता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे सारे लोगों को आप समझाएं, बताएं कि कल्पनाश्रय हमारी राजनीतिक पूंजी है, कल्पनाश्रय हमारी धरोहर है, कल्पनाश्रय के नेतृत्व में ही क्षेत्र पहन कर सकता है कांग्रेस के तिरंगा झंडा, और कल्पनाश्रय भारत की शक्ति के प्रतीक है। इस मंच पर बैठे हुए भाई जी हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भाई जी का वक्तव्य आपने सुना है, भाई जी ने आपको बताया है कि कल्पनाश्रय जी की महिमा और कल्पनाश्रय जी की शक्ति में कितना बल है, कितना दम है, और किस तरीके से उन्होंने पूर्वांचल के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए समय का ध्यान देते हुए आपके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ, और विश्वास करता हूँ कि आप सारे लोग इस विद्युत केंद्र के संबंध में जनता में तो कहेंगे ही, जनता जानती है, प्रचार और प्रसार करें और कल्पनाश्रय जी के हाथों को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, इसी में हमारा और सबका कल्याण निहित है। जय हिंद। हम लोग आने में देर हो गई, अभी आ रहे थे तो दूर से ही देखा तो लगा कि कोई आधुनिक गांव यहाँ बसा हुआ है, सुंदरता इसकी थोड़ी दूर से बहुत दिखाई दे रही थी, बहुत सुंदर, इधर गाड़ियों की लाइन, गाड़ियों का तांता, इधर सड़क, और ये सामने ये सामियाना, पीछे ये आपका विद्युत स्टेशन, लगता था कि कोई नए ढंग का एक छोटा सा पुरवा गांव बसाया जा रहा है। ये है, देखने में अच्छा लग रहा है और अच्छी चीज है भी, ये किसके लिए है, जिसने ये किया क्या उसी के लिए है या आम जनता के लिए है, और ये काम और विद्युत स्टेशन की स्थापना और यहां से सारी बिजली ले आ करके चारों तरफ पूर्वांचल को देना, इसका लाभ किसको मिलेगा, किसान को मिलेगा, इसका लाभ किसको मिलेगा, छोटे छोटे बड़े उद्योगपति को मिलेगा, इसका लाभ किसको मिलेगा, जो उद्योग धंधों में काम करने वाले हैं, जिनको मजदूर कहते हैं, मेहनत करते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं देखा, नए विकास के प्रवेश का द्वार खोलने की आज हस्ताक्षर कर रहे हैं, उसी अवसर पर कल्पनाश्रय ने पूर्वांचल के विकास की कुंजी आज 400 केवीए का सर्विस स्टेशन का उद्घाटन करके दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ तमाम बच्चे हैं, अधिकतर हमारे राज्य नेता लोग हैं, हमारे यहाँ अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, हमारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। आज हिंदुस्तान में जिस तरह से अभी हमारे मंत्री जी और हमारे मुख्य प्रमुख अभियंता कह रहे थे कि 2.5 साल का समय जनता के बीच माननीय मंत्री जी ने हम लोगों से वादा कराया था, उसको 7 दिन पहले ही हमने तैयार करके इस प्रोजेक्ट को दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि सब कमियों के बावजूद मंत्री जी की तरफ से उनको एक प्रशंसा पत्र मिलना चाहिए कि कम से कम 2.5 साल का जो उन्होंने वादा किया था 7 दिन पहले उस वादा को करके दिखा दिया। आज जो संकल्प शक्ति की हमारे और आपके अंदर कमी है, हमारे और आपके अंदर जो राष्ट्रीय संकल्प की कमी आ रही है, उसी लिए हमारी सारी योजनाएं, हमारे सारे कार्यक्रम, हमारी सारी सोच बदलती चली जा रही है। मैं सोच रहा हूँ 2 साल के अंदर इस देश को कहां ले चलूंगा, तब तक पता चलता है कि 2 कदम आगे बढ़ने के बाद 4 कदम और पीछे ढकेलने का काम यहां हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस दौर से हिंदुस्तान की राजनीति
रही है, जिस तरह से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर, मजहब के नाम पर हिंदुस्तान को कमजोर करने की साजिश हो रही है, उस दृष्टि को सामने रखते हुए तमाम इस देश के बुद्धिजीवियों को, तमाम इस देश के प्रशासकों को, टेक्नोलॉजिस्टों को, साइंटिस्टों को आज दुनिया के कंपटीशन में अगर खड़ा होना है, हिंदुस्तान के मस्तक को अगर ऊंचा रख करके दुनिया में एक देश की पहचान बनानी है, ईमानदारी से प्रगति के काम पर एक होकर के निष्ठा के साथ काम करने का संकल्प में अभी जा करके कहीं हमारे देश का विकास हो सकेगा। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जो ये विद्युत की जाल हमारे पूरे पूर्वांचल के अंदर फैलाई जा रही है, जो उद्योग धंधे लगाने वाले, जो विकास के काम करने वाले, इंडस्ट्री लगाने वाले महाराष्ट्र भाग रहे थे, कलकत्ता भाग रहे थे, अब बिना बुलाए अगर 24 घंटे बिजली यहाँ उपलब्ध अंचल के विकास के विकास का ये सब स्टेशन एक मिल का पत्थर साबित होगा और पूरे पूर्वांचल के लिए रहनुमाई करेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक वाक्य में केवल ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में एक दंगल और जिस नाम पर पूरे देश में एक भ्रम फैलाया जा रहा कि देश गुलाम होने जा रहा है, देश की प्रभुसत्ता खतरे में पड़ी हुई। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि पार्लियामेंट के आधे मेंबर शायद उस प्रस्तावना को पढ़े भी नहीं, वो यही नहीं समझते कि जेट क्या है, ये कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है, कोई वैज्ञानिक है, ये दंगल क्या है। लेकिन पूरे देश के प्रचार मीडिया ने, प्रचार साधनों ने और हमारे देश के तथाकथित अपनी केवल पेट पूजा करने वाले, कहे जाने वाले, रोज चेहरा बदलने वाले राष्ट्रीय नेताओं ने ऐसी शक्ल बना दिया है कि पूरा देश गुलाम होने जा रहा है। कहना चाहता हूँ आपसे अगर हिंदुस्तान के साइंटिस्ट, हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग और हिंदुस्तान के राजनीति करने वाले राजनीतिक लोग अगर इच्छा शक्ति से उस 117 देशों के संघों में प्रवेश करें और निष्ठा से करें तो शायद हिंदुस्तान दुनिया की रहनुमाई करने की क्षमता रखता है। लेकिन हीन भावना लेकर के केवल अमरीका से डरते रहो कि सारे बुद्धि का ठेका अमरीका लेके बैठा, सारे बड़े से बड़े साइंटिस्ट हिंदुस्तान के अंदर बैठे, उनको विकास करने का कहीं मौका नहीं मिल रहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि विकास की शुरुआत से पूरे उस पूर्वांचल का किसान इस नई परिस्थितियों में नए शक्ल में उभर करके आएगा, यही हमारी और आपकी सबके लिए अच्छाई होगी। जय हो। हमारे पड़ोसी जनपद बलिया, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़ से आए हुए हमारे कांग्रेस के नेता बंधुओं तथा इस क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए हुए आप साथियों, सबसे पहले मैं जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी होने के नाते आज हमारे जिन बंधुओं ने और खास तौर से सुभाष यादव ने, राजकमल राय ने और उनके नेतृत्व में और 20 लोग कांग्रेस में प्रवेश किए हैं, मैं इस काम के लिए उनका स्वागत करता हूं और उनको हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं उनको आश्वस्त करता हूं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि उनको उचित सम्मान और आदर हमारे कांग्रेस में काम करने का अवसर मिलेगा। साथियों, माननीय कल्पनाथ राय जी पूर्वांचल के विकास में लगे हुए हैं, ये कल्पनाथ राय जी की अपनी जन्मस्थली है और जो विकास का काम मिर्जापुर से प्रारंभ हो या गोरखपुर की तरफ से प्रारंभ हो, हमारे मऊ जनपद की ऐसी स्थिति है कि कोई भी बड़े पैमाने का विकास काम जब होगा तो निश्चित रूप से मऊ से होकर गुजरेगा। ये हमारी एक ऐसी स्थिति उचित है जिसमें निश्चित रूप से सामान्य तरीके से हमारे विकास की गति तेज हो जाती है। माननीय कल्पनाथ राय जी का ये जिला है, उनके ऊपर यहाँ के किए गए विकास के कार्यों में जो अधिक रुचि और जो दिखाई पड़ता है उसका संकेत उस पर कल्पनाथ राय जी के ऊपर उंगलियां उठती हैं, लेकिन ये तो अपने स्वाभाविक क्रम में विकास हो रहा है। हमारे जिले का जन्म 4 पहले इसी विकास के क्रम में माननीय कल्पनाथ राय जी के द्वारा हुआ और कल्पनाथ राय जी तब से इस जिले के विकास के काम में लगे हुए हैं और हमारे मित्रों ने उनके विकास के कामों की जो चर्चा किया, बेशक मैं उस सबसे अपने को संबद्ध करता हूँ
उसकी पुनरावृत्ति कोई आवश्यक नहीं है। एक बात और जो थोड़ी राजनीतिक होती रही है कि पिछले चुनाव में माननीय कल्पना शर्मा जी की इतनी सेवाओं के बाद भी और हमारे जिले से कोई विधायक कांग्रेस का नहीं जीत सका। साथियों का केड़ा कोई ऐसा मीटर नहीं है जिसको हम कहें कि कल्पना शर्मा जी की या हमारी कांग्रेस की साख कम हुई है। ये तो एक आंधी थी, एक विशेष परिस्थिति थी। और सच बात यह है कि कांग्रेस के सामने अगर ऐसी परिस्थितियां इस देश में बनी रहेगी तो दिक्कत होगी काम करने में, क्योंकि कांग्रेस कभी सांप्रदायिकता के आगे उससे समझौता नहीं कर सकती। कांग्रेस कभी जातिवाद के नाम पर किसी भी जात विशेष के लोगों से समझौता नहीं कर सकती। जो हल्का नारा हमारे दूसरे लोग लगा करके दूसरे राजनीतिक दल के लोग जीत गए हैं, क्या वो स्थायी तौर पर उस तरह का भाव और उस तरह का नारा चल सकता है? यह संभव बात है, यह तो एक बात है। इसलिए मैं जरूर राय साहब से कहूंगा और आप बंधुओं से भी निवेदन करूंगा, ये कोई चुनाव अकेला जो संयोग से हो गया ये हमारे राय साहब की लोकप्रियता और कांग्रेस की लोकप्रियता का मीटर अकेला नहीं कहा जा सकता। साथियों, जो हमारे विकास के काम के सिलसिले में राय साहब ने जो यहाँ कष्ट उठा करके काम किया है उसके लिए उनके भूल हम धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग याद है और आप में से बहुत भाइयों को भी याद होगा, इस सजारा गांव के प्रधान विजय शंकर राय जी ने भी बड़ा सहयोग किया है माननीय कल्पना शर्मा जी का। और 65 एकड़ जमीन जो यहाँ दी गई है इसमें जीएसटी नहीं थी और बहुत सारी जमीन इस गांव के निवासियों की है। उन लोगों ने भी शहर इस यहाँ पर इस स्टेशन के लिए दिया है। मैं उन सभी मित्रों को बार बार उनको धन्यवाद करता हूँ। जब तक फलनवा नेता का नाम रहेगा मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ माननीय राय साहब, जब तक यह धरती और आसमान रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा। ये इलाका, ये देश, आप लोग जानते हैं, लोग कहते हैं इच्छा शक्ति की कमी है। हिंदुस्तान आजादी मिलने के बाद अल्मोनियम का कटोरा लेकर दुनिया में भीख मांग रहा था हमारा देश। माननीय राय साहब, मैं आप बैंक का वाक्य दोहराना चाहता हूँ, आबादी के सूरज ने, आबादी ने, आबादी के बढ़ते हुए बादल ने विकास के सूरज को ढक लिया है। आजादी के मिलने के बाद 22 करोड़ 25 करोड़ का हिंदुस्तान आज 90 करोड़ हो गया। परंतु आप बैंक ना ये राय साहब, आज हिंदुस्तान दुनिया में 5-6 चीजों में ताकत में मुकाबला कर रहा है। ये किसकी देन है? ये माननीय कल्पना राय की देन है, माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी की देन है, राजीव जी की देन है, पी वी नरसिंहा राव जी की देन है। आप सब लोग जानते हैं इलाका। माननीय राय साहब, मैं आपको पॉलिटिकल इंजीनियर कहा करता हूँ। हमारे कुछ मित्र हंसते हैं कि सब लोग तो पॉलिटिकल कहते हैं, आप इंजीनियर को जोड़ देते हैं। हमने कहा इसलिए इंजीनियर जोड़ दे रहा हूँ, जाके मऊ में देखो बेरोजगारी है ही नहीं है, कितना काम हो रहा है, मजदूरों का लाभ, ईटा बेचने वालों का लाभ, सीमेंट बेचने वालों का लाभ, बालू बेचने वालों का लाभ, किसका लाभ नहीं है, रक्षा चलाने वालों का लाभ, साइकिल में बल्टा में दूध बेचने वालों का लाभ। आप पहले सड़क बनाए, पुल बनाए, कारखाना बनाए, आप जब बिजली जब आप धोसी में मिल बना रहे थे तो कौन नहीं जानता धन और धरती बांटने वाला मेरा नेता वहाँ भूखरदास पर बैठ गया कि आमद मिल नहीं बननी चाहिए, मिल बनेगी तो यहाँ नाश हो जाएगा, गन्ना होता ही नहीं। आज वही धोसी की मिल है। माननीय राय साहब आपके मजबूत और गतिशील नेतृत्व की कारण ही आज धोसी की चीनी मिल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़िया मिल बन गई और उसको आपने दुगना करा दिया। कोई हमारे सर्दियों में जब मैं उसका रोना रोऊं तो बात दूसरी हो जाएगी। पुरानी मिल नहीं बन पाई, दुगनी नहीं हो पाई, उस पर नया लाइसेंस नहीं मिल पाया, केवल आपका मजबूत नेतृत्व था। आप काम करने का ढंग जानते हैं। अभी हमारे एक मित्र लाल साहब गए दिल्ली, माननीय राय साहब से कहा कि मऊ में फलनवा काम करा दीजिए, कह रहे आप यहाँ तो कहे फिर कहीं कहिएगा मत, मैं उसको जल्दी करा दूंगा, नहीं विरोधी दल वाले झंडा लेके खड़ा हो जाएंगे कि फलनवा काम नहीं होना चाहिए। कितनी कठिन लड़ाई हम लोगों को सोचना चाहिए कि एक तरफ योजना मंजूर करावे, योजना को यहाँ लावे, पैसा भिजवावे, उसके बाद भी जाकर देखे ईटा स्वयं लग रहा है कि स्वयं लग रहा है। अभी हम लोग पुलिस लाइन गए तो मालूम हुआ आप आके चले गए जेल देखने, तो यहाँ एक शादी आके बता रहे थे, मंत्री जी नाराज थे कि भाई ईटा गड़बड़ लग रहा है और कहे भाई मेरा घर तो नहीं बन रहा है, बन रहा सरकारी काम, इसमें तो बढ़िया ईटा लगाओ। ये काम हिंदुस्तान में आपके अलावा कौन नेता कर सकता है? यह केवल आप ही कर सकते हैं। और लोग तो चाहे भारत दे दंगल का, चाहे मंडल का, चाहे कमंडल का, मैं ये नहीं मानता कि मऊ में हम लोग हार गए तो आपकी पॉपुलरिटी कम हो गई। हर आदमी जानता है कि अगला जब चुनाव जब आप लड़ेंगे तो कम से कम 2-3 लाख वोट से जीतेंगे, इसको धरती पर कोई रोक नहीं सकता। ये चुनाव आपका नहीं था, ये चुनाव विषम परिस्थितियों का था, ये चुनाव था भाजपा को कौन हराए।
से लोगों को लगा मुलायम सिंह लड़ रहा है, उसको लोगों ने वोट दे दिया, कोई उसके प्रेम में नहीं वोट दिया। मुलायम सिंह भाजपा के खिलाफ लड़ रहा था इसलिए लोगों ने वोट दिया। और जब दिल्ली की सरकार बनेगी कि भाजपा को कौन हराएगा तो कल्पना हराएंगे, लोग कांग्रेस को वोट देंगे, मेरा यही पूरा विश्वास है। यही कहा कि मैं अपनी तरफ से अपने मित्रों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। जय गुरु मुख्य अतिथि परम सम्मानी बाबू कल्पनाथ राय जी, हमारे जिलाधिकारी महोदय सिन्हा साहब, एसपी महोदय, विद्युत विभाग के सम्मानित अधिकारी गण, हमारे कांग्रेस के सभी तमाम हमारे आए हुए सम्मानित भाई भाइयों और माताओं और बहनों, मैं आप सबके बीच कुछ निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वो ये ज्ञान भारत सरकार के खाद्य मंत्री माननीय कल्पना झा अपने कर कमलों द्वारा किया है, इसका इतिहास बनेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, माननीय राय साहब विकास के मसीहा है पूर्वांचल के, और मैं कहना चाहता हूँ देखिए इससे मनोबल ऊंचा होता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होता है, दल का मनोबल ऊंचा होता है। मैं कहना चाहता हूँ गैर कांग्रेस की सरकारें भी हमारे देश में बनी, हमारे प्रदेशों में बनी है, क्या किया है उन्होंने, कौन सा विकास का काम हुआ है। मौजूदा जो सरकार है क्या किया, जी के नाम पर चुनाव जो पिछड़ा हुआ है आज क्या हो रहा है। कहते हैं लोग कि हम समाज को जोड़ रहे हैं, जात को तोड़ रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों ये भ्रम है। जात को लोग जोड़ रहे हैं और समाज को लोग तोड़ रहे हैं, ये है समाज को लोग तोड़ रहे हैं और जात को लोग तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात, हमारे हमारा राष्ट्रहित इसमें जो है खतरे में पड़ जाएगा, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है जो आज हो रहा है। कितने कांड हो रहे हैं, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारतीय संविधान निर्माता है उनका नाम लेकर के किस तरह से वोट दिया गया, किस तरह से उनको जो है ठगा गया, बहकाया गया, भ्रमित किया गया, अजीत तरह से वोट दिया गया। क्या आज उस महान नेता की, उस महामानव की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या सपना पूरा हो रहा है। दौना क्रम जो इलाहाबाद से हुआ है क्या है, ये कितनी शर्मनाक घटना है। मैं कहना चाहता हूँ जो मौजूदा सरकार है, और जो मैं नाम लेना चाहता हूँ जो जो ठेकेदार हैं काशी राम, उनके लिए शर्म की बात है। दौना क्रम जो हुआ है, जो निर्वस्त्र करके महिला, जो दलित महिला घुमाई गई है, ये उनके मुंह पर काली फोड़ देता है काशी राम के। और मैं कहना चाहता हूँ क्या हो रहा है, यही सपना पूरा हो रहा बाबा साहब करते भीमराव अम्बेडकर समय। महिलाओं से पूछना चाहता हूँ जो जो वो दिले हैं कल से क्या करके जो स्वीकार लिए हैं, तो ये कहते हैं कि हम मसीहा ये मसीहा काम। और चुनाव में क्या कर रहे, चुनाव में हमारे महिला थी पूरी पूरी दलित महिला थी, उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई, और बाराबंकी के बिसौली गांव में 5000 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। इससे कितने में आपको फतेहपुर में सामूहिक हत्याकांड चलाया गया, और 77 गांधी बंधक करके गई थी, पानी में हत्या गई थी, हाथी तो चल चली गई थी। तो ये है इनका भी मूल्यांकन होना चाहिए। देश कांग्रेस का इतिहास की तो मनुष्य को मतलब किया है कर रहे हैं, मूल्यांकन करनी भाई। और इसका चुनाव जो हाथ रही है बड़े सुधार की बात है, सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और ये जो है विकास की कुंजी, तो विकास की कुंजी है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह राव जी को, जो हमारे देश का नेता, हमारे जैसे मजबूत नेता विभाग में विद्युत विभाग पहले दिया, विद्युत मंत्री बनाया, इतना महत्वपूर्ण ध्यान दिया। आज उसी गलती क्या है, विद्युत का जाल आप इशारे चार सौ के बीच विद्युत स्टेशन का 15 दिनों में इसका जो है लाभ मिलेगा, इसका ये मामूली बात नहीं है भाइयों। और विद्युत जो है विकास की कुंजी है, इससे हम
तरह का विकास होगा, चाहे वो खेती का विकास हो, खेती जगत में हो, चाहे वो उद्योग धंधे में हो, चाहे वो कहीं भी प्रधान में हो, किसी क्षेत्र में हो, शिक्षा में हो, किसी दिन शिकार यहाँ के पूर्वांचल के विकास का इतिहास बनेगा। माननीय चंद्रनाथ कुमार जी आप पूर्वांचल के विकास के मसीहा जाने जाएंगे, आप पूर्वांचल के विकास के मसीहा जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो हो रहा है आप देख रहे हैं मेरे भाइयों, ये जो सभी गैर कांग्रेसी सरकारें चली हैं, कितना दिन चली है, कोई 9 महीना यही सभी सरकार चली, 9 महीना चली, किस तरह तक में 77 में वहां बनी, वो भी लगभग 1.5 साल चली, 11 महीना फिर जनता पार्टी दल की सरकार चली, तो इस तरह से महीने में अब भगवान जाने कितना दिन ये चलेगी, ये सामने जो सरकार चल रही है, और ये उपाय ताकतों को खत्म करने के लिए बीजेपी को वो समर्थन दे रही है कांग्रेस, और कोई बात नहीं, तो कर्जा नहीं खाए, न मुलायम सिंह का कर्जा खाए है, न काफी रंग का कर्जा खाए, कर्जा कांग्रेस नहीं खाए, ये कुछ मुद्दों के आधार पर इसलिए दे रही है। ये तो इतना जो पिछली बार जो सरकार बनी थी बीजेपी की, हमारे चार प्रांतों में जो बरसात की गई, यहाँ जो सरकार बनी थी उसकी हालत आप लोगों ने देखा, कि नाराज भगवान का, तो ये सब कार्य मैं समय नहीं लेना चाहता, मना चाहता हूँ, बहुत समय लिया, आप तमाम भाइयों को यहाँ हमारी जन समूह उपस्थित है, मैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत चीजों को धन्यवाद करते हैं। प्रकार का ही किस प्रकार से आया और उसकी बात करें, प्रकार का ही जिसके बाद मेरा याद आए मन ये आपके सामने भी प्रस्तुत करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य मंत्री माननीय कल्पना साय जी, मऊ जिले के जिलाधिकारी सिन्हा साहब, कप्तान साहब, इंजीनियर महोदय एवं आए हुए किसान मजदूर नौजवान भाइयों बहनों, आज की ये सभा 400 के लिए विद्युत संकेतन के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित की गई है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक दूसरा दोस्त था कि अनुमाई में, उनके पिता की अनुमाई में मैं राजनीति करता था, मैं विजय जी का था, लोन दल का था, और आज मैं कांग्रेस में हूँ, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, दंप हमारा दूसरा था, लेकिन मतदाताओं से मेरी बात होती थी, और आज ये जो बसपा की यहाँ जीत हुई है, पूरा पूर्वांचल में जो बसपा जीती है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मतदान करने का जाता है लोगों का किसान गुंडा नौजवान, और जब बैलेट पेपर से दे दिया जाता है तो उसके दिल में एक आवाज पैदा होती है कि मैं कल्पना सराय को छोड़ दूँ। मैं विरोधी दल का था, विरोधी दल के लिए मैं काम करता था, लेकिन और चीज पास में जब जनता से करता था तो जनता मुझे सवाल किया करती थी, ए भाई कल्पना सराय के कहे ना उस धैर्य से बताओ, यह आवाज आती है, और मैं इस आवाज के साथ स्वागत करता हूँ मानी कल्पना सराय का, कि भगवान आपको दीर्घायु बनाए, और जाति पात मजहब भाषा से कृपा और धर्म से ऊपर उतर के भूमि से क्षेत्र की पंक्ति क्षेत्र की जनता, जब तक आप जिंदा रहेंगे मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके कंधे पर कंधा मिलाकर के तोड़ दिया और आपको विजय बनाएगी। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं निकल पाता जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, सारे आजमगढ़ के नेता, सारे पूर्वांचल के नेता कसरत कर चुके हैं, बहुत दंग बैठक हुई है, लेकिन मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि माननीय मंत्री कल्पना सराय जी, ये बहुत बड़ा काम है, हम लोगों का करा दीजिए, हम लोग को लक्ष्य वर्ती निवेदन करने में बहुत परेशानी होती है, मेरी ये प्रार्थना है आपसे, पूर्वांचल के विकास के लिए एक काम और करिए, जय हिंद जय भारत जय समाजवाद।
Thank you.
पोतो सामा पोतो महुआ खाके सामा पोतो मरुआ खाके सहज रही तू को सदा शिवनिया में लहरे ले योजनाओं को
केंद्र सरकार से इस यूपी स्कीम के नाम पर मंजूर कराने में हमें सफलता मिली। मैं ऊर्जा मंत्री जरूर था, लेकिन ऊर्जा का संकट कितना बड़ा पूर्वोत्तर प्रदेश में था। मैं यहाँ के इंस्टीट्यूशन इंजीनियर श्रीवास्तव और जैन यूपी जैन अंबा पांडे श्री अग्रवाल जी और जितने भी हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उन लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो काम हमारे इंजीनियर्स ने इस काम को किया है 2.5 साल में इस बिजली स्टेशन पूरे दुनिया में आज तक 400 केवी का स्टेशन के लिए उनके लिए फूल से कोमल भी हुई। राष्ट्र के सवाल को मैं किसी से समझौता नहीं कर सकता। मैंने एसपी से भी कह दिया है कि अगर मेरा लड़की और लड़का गलती करे तो उसको जेल में डाल देना, मुझसे बिना पूछे। न्याय प्रशासन कानून की आंखों में ममता के आंसू नहीं होते और कानून और राजनीति करने वाले व्यक्ति को कभी भी इन सवालों पर समझौता नहीं करना चाहिए। जनता अपनी दुर्गत खुद भोग रही है। पूर्वांचल पूर्वांचल की आप बात करते हैं, पूर्वांचल की जनता की जो दुर्गत हो रही है उस दुर्गत के लिए आप जिम्मेदार हैं। ये सड़क क्यों बनी कि गांव में जो सब्जी उगाता है वो अपनी सब्जी को लेकर बाजार में जाके बेच के पैसा कमाए, जो दूध वाला आदमी है वो बस पर बैठे में दूध दे जाए, अपना फल आम जामुन जो भी उसके पास हो सर पहुंचा कर अच्छा पैसा आमदनी कर ले। और हिंदुस्तान में 70,000 लोग एक साल में मरे हैं जो रोड एक्सीडेंट में। जब कोई आदमी मर जाता है तो लोग कहते हैं भगवान निकल रहा है, यही के रहा था। तो 70,000 आदमी एक साल में हिंदुस्तान में मरे हैं केवल सड़क दुर्घटना में। सिंगापुर में 40 वर्ष में अब तक एक आदमी नहीं मरा। जापान की राजधानी टोक्यो में पिछले 30 वर्ष में एक आदमी नहीं मरा। 20,000 करोड़ का तेल हम विदेश से ले रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की सभी सड़कें ऐसी बन जाएं, तो आधा तेल का खर्चा हो जाएगा। पर देश की जनता क्या है, मैं आज कहना चाहता हूं कि यह जनता अपनी दुर्गत के लिए खुद जिम्मेदार है और कोई केवल नेता तो दोषी लोग हैं। क्योंकि जिस तरह ये पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए की बिजली योजना पूर्व उत्तर प्रदेश में आई है, नारायण दत्त तिवारी 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, मगर पहाड़ के 8 जिलों में 220 के भी का भी एक स्टेशन नहीं है। हमारे पहले के बीजेपी के एमएलए कितने मुख्यमंत्री हुए, इन लोगों के जिले के आसपास के 8-9 जिलों में 220 के भी का एक स्टेशन नहीं है। और मैंने बनारस में 400 केवी, मऊ में 400 केवी और मऊ को आजमगढ़ से जोड़ दिया 400 केवी से, गोरखपुर में 400 केवी, 220 केवी देवरिया में, 220 केवी गाजीपुर में। क्या मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2200 सीट से लड़ूंगा? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनता का काम कर रहा हूं और 132 केवी के 18 स्टेशन 6-6 करोड़ के बना करके हमने चालू करवा दिया और 33 केवी के 46 स्टेशन बनवा के उसको चालू करवा दिया। इन 15 जिलों में
400 करोड़ जिस समय में बिजली मंत्री बना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में कुल बिजली 500 मेगावाट थी, और यह जब 400 करोड़ के ट्रांसमिशन लाइन आनपारा से बनारस और गोरखपुर देवरिया गाजीपुर बन जाएगी और इस सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी तो 500 मेगावाट की जगह 2500 मेगावाट बिजली हो जाएगी। 1947 से 1988 तक 500 मेगावाट और 88 में 1.5 साल और नरसिंह राव भी 1.5 साल मिनिस्टर बनाए, 3 साल में 2500 मेगावाट, 5 गुना बिजली को हमने बढ़ाया। यह काम कितना कठिन है इसको मैं जानता हूं। 5 साल जनता की सेवा कीजिए, ये इंजीनियर लोग तंग रहते हैं हमसे, मैंने कभी व्यक्तिगत काम नहीं कहा है। खेती कैसे सुधरेगी, ट्यूबवेल कैसे चलेगा, दौरी कैसे होगी, घर में पंखा कैसे चलेगा, बिजली कैसे चलेगी, ट्यूबवेल कैसे चलेगा, छोटा उद्योग धंधा कैसे चलेगा, मझोला उद्योग धंधा कैसे चलेगा, बड़ा उद्योग धंधा कैसे चलेगा, पावर रूम कैसे चलेगा, कारपेट का उद्योग धंधा कैसे चलेगा, ट्रेन कैसे चलेगी, टेलीफोन कैसे चलेगा, तकनीकी क्रांति कैसे होगी। आज कोई काम दुनिया में बिना बिजली के नहीं हो सकता, और उस बिजली को लाया और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता ने वोट किसको दिया, मैं भी जनता को देखता रहता हूँ। इस जनता का सर्वनाश होने से कोई रोक नहीं सकता, यह हंसने की बात नहीं है, यह हंसने की बात नहीं है, दुख की बात है। कल्पना था अपनी जिंदगी की उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं, कल्पना था को किसी बात की कमी नहीं, जीवन भर हो सकती है। आज से मैं मेंबर पार्लियामेंट में रहूं तभी हमें 8,000 रुपया महीना पेंशन मिलेगी सारी जिंदगी, और कोई एमपी होना यही से जरूरी नहीं है, मध्य प्रदेश से हो जाएंगे। लेकिन अपनी मिट्टी से प्यार, एक अपने मिट्टी से मोहब्बत मैं तो कभी नहीं जात पात करता हूं, मधुबन से और शहीद रोड बनी है 26 किलोमीटर, मेरे बच्चे और मैं शायद 6 महीने में एक बार आ जाए। जनता चल रही है रोज, सारा विकास इसके माध्यम से हो रहा है, क्या हरजन नहीं चल रहे हैं? कानून किस बात के लिए बनेगा विधानसभा में? मऊ जिले से जितने विधायक चुने हैं, अगर एक चारों पांचों विधायक अगर 1 करोड़ की योजना ला दें तो मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ दूंगा। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार मऊ जिले में एक कारखाना बना दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा, मैं मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा। राज समझते हो, काम करना इतना आसान होता तो सारे लोग काम करते। और एक नेताजी बोल गए हैं कि बड़ी लाइन लंबा दीजिए, भटनी से मऊ और बनारस ये लाइन 100 करोड़ रुपया में हमने बनवाया है, और 1 जून से ट्रेन चलवा रहा हूं जो दिल्ली से चलेगी लखनऊ, लखनऊ से बनारस, बनारस से खुलेगी मऊ, मऊ से छपरा मुजफ्फरपुर तक चलेगी, और बड़ी शानदार ट्रेन होगी। मऊ से खुलेगी तो बनारस रुकेगी, तो लखनऊ जाइए और दिल्ली जाइए, आजमगढ़ तक भाई, आजमगढ़ जिला की तो ठेकेदारी पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने लिया है। राष्ट्र के नेता, राष्ट्र के एक नेताजी हैं, वो भी कभी मंत्री थे, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और न जाने कितने वहां एमपी हैं,
पचासों हजार जनता को इकट्ठा करके और वहां ले आके जाफर शरीफ से शिलान्यास करवा दिया। अरे कोई रेल मंत्री थोड़े बड़ी लाइन मंजूर करता है, इसको बेवकूफ बना रहे हो। बड़ी रेलवे लाइन बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति चाहिए, योजना आयोग की स्वीकृति चाहिए। जब योजना आयोग स्वीकृति दे देगा तो परिवहन मंत्रालय की स्वीकृति चाहिए, और जब परिवहन मंत्रालय स्वीकृति दे देगा तो वित्त मंत्रालय की स्वीकृति चाहिए, और वित्त मंत्रालय स्वीकृति दे देगा तो रेलवे बोर्ड की सहमति चाहिए, तब रेल मंत्री जी की दस्तखत होती है। रेलवे मंत्री लोग रेलवे की बड़ी लाइन बना देते तो केदार पाड़े भी चितौनी बनवा दिए होते। ये राजनीति करने वाले लोग हैं, और लंबा लंबा भाषण। क्या आप आजमगढ़ के मेरे मित्र मौजूद हैं, उस मीटिंग में भाषण क्या दिया गया? अरे जनता की पहली जीत हमने जीती है, सागन से आजमगढ़ मऊ की लाइन हमने मंजूर कराई है। हाँ, यह हमने जनता की पहली जीत जीती है, दूसरी जीत तब जीतेंगे जब आजमगढ़ कमिश्नरी होगा। ये भाषण मेरे कलेजे पर तीर है कि नहीं? ये किसको, ये कौन नेता वो लोग हैं जो इस तरह की बकवास किया करते हैं, जो कांग्रेस में आने के लिए छटपटा रहे हैं चारों पांव, जो प्राण नहीं निकल रहा है। यहां मंच पर बोलेंगे कांग्रेस के खिलाफ, वहां कांग्रेस में आने के लिए छटपटा रहे हैं। इस तरह के छुरतों को, ठगों को जनता वोट देती है जात पात के चक्कर में, और हमसे आशा करते हैं कल्पना तरह कोई तो ठिकानी है। मेरा सम्मान भी आप न करो, मैं काम करूं तो अभी न कहो कि धन्यवाद। अरे राजनीति में तो कोई चाय पिला दे तो दिल से उसको धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ ये लोग, ये मऊ जिला बनता ही नहीं, क्योंकि ये लोग हमारे खून के प्यासे थे। मैंने राजीव गांधी से कहा, अगर इनको आप कांग्रेस में लेना चाहते हैं तो आपको जिला मेरा बांटना पड़ेगा। मैंने टेलीफोन कीजिए नरेंद्र तिवारी को कि मऊ जिला अलग होगा, तभी कांग्रेस में आएंगे। उन्होंने टेलीफोन किया, मऊ जिला अलग हुआ, वो कांग्रेस में आए, फिर भाग के चले गए। आने भजन इस तरह के लोग, और हमसे हमारे मित्र कहते हैं जो काम छात्र राम जी कहे, जो काम हमारे आजमगढ़ के साथी कहे, मैं करने को तैयार। तो रोज जिंदाबाद सुनता हूँ। यहाँ की जनता, हमारी ये जनता, हमारे अधिकारी बंधु, मऊ जिला तो बन गया, हमारे सिन्हा जी, हमारे जिला के कलेक्टर जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमारे जिले के प्रशासनिक काम को कर रहे हैं, हमारे जिला के पुलिस अधिकारी, यहाँ के एमएलए लोग, यही काम है क्या? 5 महीना हो गया, रोज सुबह शाम, क्या भाई हर तरह के हर सब एसपी हर ये तुम्हारी यात्रा हिंदुस्तान के केंद्रीय मंत्री हैं, और कल्पना यात्रा की पार्टी की ताकत से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। तुम किससे छेड़छाड़ करना चाहते हो? इन विधायकों से कह दीजिएगा मैंने किसी की शकल नहीं देखी है। हे ईश्वर, हे जनता, मैं अपने माँ की सौगंध खाता हूँ, मैं सगाई के विधायक की शकल नहीं देखा हूँ, मैं घोसी के विधायक की शकल नहीं देखा हूँ, मैंने नत्थूपुर के विधायक की शकल नहीं देखा है, मैंने मऊ के विधायक की शकल नहीं देखा है, मैंने रसड़ा का विधायक की शकल नहीं, मैंने ये नेता अपने कहते हैं इनकी मैंने इनको देखा भी नहीं, और उसको जनता ने वोट दे दिया, और वो जनता कहती है कि हमारा काम कर दीजिए। अगर भगवान दुनिया में होंगे ऐसे लोगों को वोट देने वाली जनता, तो भगवान भी माफ नहीं कर सकते, ईश्वर नहीं माफ करेंगे।
एक हमारी नेता आ गई, पानी नहीं है, तो राज्य सरकार का काम है कि नहीं? पानी नहीं है तो आप थोड़े दिन में कहिए साहब, हमको जाना है पाक खाने, जगह नहीं है, कैसे काम होगा देश का? और आप लोगों में जो हर बात को गंभीरता से लेने की बात नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि बहुत से नेता आए हैं और यहां अधिकारी बैठे हैं, पूर्वी जिला की समस्या है क्या? अगर डॉक्टर रोगी का रोग न जाने तो दवा कैसे देगा? कि जान चली जाएगी? अगर डॉक्टर नहीं जानता है कि इसको, हमारे मऊ में कई लोग की जान चली गई क्योंकि उनको हुआ दूसरा रोग, इंजेक्शन दे दिया दूसरा। आज हमारे बीच में हमारे मित्र अवधेश राय जी नहीं, अवधेश राय ऐसा मित्र जिन्होंने मेरी जिंदगी में हमेशा साथ दिया और जो यहाँ के विकास के लिए हमेशा हमने कहा करते थे, कभी MLA MP नहीं बने लेकिन 24 घंटा में जब भी मिले सरनाथ सरोवर का पुल बनवा दो, कुर्सी जाकर का पुल बनवा दो, बताओ घाट का बनवा दो, बुनकरों का पावर रूम नहीं चल रहा है उनको बिजली मऊ में कर दो, हम ये हमको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, अभी मेरे नहीं लड़ेंगे, मरवाड़ा मधुबन की सड़क करवा दो।